न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुष श्रीवास्तव। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून के खिलाफ कई सप्ताह से विरोध प्रदर्शन पर आम लोगों की नाक में दम करने वाले किसान संगठन के नेता अब आपस में ही सिर फटौल कर रहे हैं। जी हां, रविवार को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में ये फूट तब सतह पर आ गई जब भारतीय किसान यूनियन यानी कि हरियाणा के किसान यूनियनों ने के अध्यक्ष गुरुराम चंडू पर आंदोलन के नाम पर एक कांग्रेस नेता के 10 करोड़ रुपए लेने के आरोप लगाए गए हैं। जी हां, अन्य संगठन ने आरोप लगाया कि गुरुराम चुन्नी ने किसान आंदोलन को राजनीति का अड्डा बनाकर रखा है और इसमें कांग्रेस नेताओं को बुला रहे हैं। आरोप लगाया गया है कि हरियाणा के कांग्रेस नेता से उन्होंने रुपए लिए और वो दिल्ली में सक्रिय है। आरोप लगाया गया कि वो कांग्रेस के चुनावी टिकट के एवज में हरियाणा में भाजपा जजपा की सरकार गिरने पर डील कर रहे हैं। हालांकि चोनी ने इस आरोपों को पूरी तरीके से खारिज किया है। दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार किसान आंदोलन के 54वें दिन सभी किसान संगठनों ने मिलकर ऐलान किया कि उनका कोई भी नेता एनआईए के समन का पालन नहीं करेगा और किसी भी जांच एजेंसी के समक्ष पेश नहीं होगा। नहीं यही वही ऑल इंडिया किसान सभा के नेता और 8 बार के सांसद हनुमा मुल्ला ने खुद को सुप्रीम कोर्ट से की जा रही उस मांग को लेकर अलग भी किया जिसमें बातचीत के लिए दोबारा समिति भी बनाई गई है। वही बता दें कि गुरुनाम ने सारे किसान नेता जुड़ गए हैं और आक्रोशित हैं। उन्हें किसान आंदोलन से निकाल कर बाहर किए जाने की मांग लगातार जारी है। अंततः जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जिसे बुधवार तक मोर्चे की समक्ष रिपोर्ट सौंपने का निर्देश है। इससे एक दिन पहले केंद्र सरकार के साथ बैठक भी हुई, ऐसे में वो उसमें शामिल भी होंगे या नहीं ये स्पष्ट नहीं है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें मोर्चे में रखना या निकालना निर्णय लिया जाएगा। चंडूनी पर आरोप है कि एक तो वो मार्च से अलग फंडिंग का जुड़ाव लगाते हैं लेकिन इसका कोई हिसाब किताब नहीं देते। हरियाणा के बड़े कांग्रेस नेता से धनराशि लेकर ये सबसे छिपाने के आरोप पर उन पर लगे हैं। साथ ही आंदोलन स्तर पर अपने टेंट में राजनेताओं को लेने और लाने के आरोप भी लगाए गए। कहा गया है कि दिल्ली में किसान संसद के नाम पर उन्होंने जनवरी में 10, 14 और 17 तारीख को कोई राजनेताओं को बुलाया था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से किसान नेता भूपेंद्र सिंह मान ने अपना नाम भी वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सत्ता पक्ष विदेशी संस्थाओं या किसी संगठन के दबाव के बिना ये फैसला लिया है। उन्हें मिल रही धमकियों की खबरें अफवाह मात्र है। उन्होंने पूछा कि जब किसान की कमेटी से बात नहीं हो पा रही थी तो वो कैसे सदस्य बन सकते हैं। मान नहीं है वो कानूनों के पक्ष में नहीं है और किसानों की मांग जायज है। बता दें बलदेव सिंह सिरसा भी एनआईए के समक्ष समन मिलने के बावजूद पेश नहीं हुए। सिरसा ने दावा किया कि केंद्र सरकार गणतंत्र दिवस के दिन प्रस्तावित किसानों के ट्रैक्टर रैली से डर गई है और इसीलिए वो पंजाब के लोगों को डराने धमकाने के लिए एनआईए के नोटिस का इस्तेमाल कर रही है। बता दें बकौल सिरसा इस समन का एक ही उद्देश्य है, किसान आंदोलन को पटरी पर करना। समन की खबर फैलते ही उनसे समर्थक भी अब उग्र गए हैं और अमृतसर के एक मॉल के बाहर जमा होकर जमकर हंगामा कर रहे हैं। तो जिस तरीके से कांग्रेस और किसान आंदोलन के बीच कांग्रेस लगातार किसानों के हित में है लेकिन ये 10 करोड़ का मामला और जिस तरीके से फंडिंग की जा रही किसानों को ये बेहद ही गलत है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।